नमस्कार प्रिय अध्यापक बंधुओं, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमारे चैनल का नाम था यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान, लेकिन अब चैनल का नाम मॉडिफाई कर दिया गया है। चैनल का नया नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने इस अध्यापक मित्र को सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सेवारत अध्यापकों के द्वारा 31 जुलाई 2021 तक 6 महत्वपूर्ण कोर्स दीक्षा एप्लीकेशन पर कम्प्लीट करने हैं, जिनके प्रश्नोत्तरी का हल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 कोर्स के हल हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन की सहायता से जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरे कोर्स के हल को देखेंगे। तीसरा कोर्स का नाम है रोचक प्रस्तावना। समय बर्बाद न करते हुए तीसरे कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत में ये निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कार्य एक, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्य वस्तु की शुरुआत की जा रही है। इसके आगे एक छोटा सा रेड साइन लगा हुआ है, उसे आप क्लिक करेंगे तो कार्य दो कार्य तीन आपको नजर आएंगे। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि कार्य एक व कार्य दो सही है, कार्य दो व कार्य तीन सही है, कार्य एक व कार्य तीन सही है, या कार्य एक व कार्य दो सही है। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सबसे अच्छा हल क्या है। दोस्तों, इस पहले प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 एक सही हल है, अर्थात कार्य एक व कार्य तीन इस प्रश्न के अनुरूप है, इसे सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जिस समय आप कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, यह जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में हमारे उत्तर में प्रश्नों को समानिहित किया गया है उसी क्रम में आपको कोर्स करते समय भी प्रश्न नजर आए। प्रश्न का क्रम आगे पीछे हो सकता है, ऐसा अध्यापकों के द्वारा बताया जा रहा है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शिक्षक अपने विज्ञान की कक्षा शिक्षण के दौरान सौर मंडल का मॉडल दिखा रहे हैं। आपकी नजर में शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य संबंधित है। विकल्प 1 है रोचक प्रस्तावना का उद्देश्य, विकल्प 2 है रोचक प्रस्तावना हेतु ध्यान रखने योग्य बातें, विकल्प 3 है रोचक प्रस्तावना का ढंग, और विकल्प 4 है सभी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। आशा करते हैं कि आपने विकल्प 3 को उत्तर के रूप में अनुमानित किया होगा। यदि हाँ तो आप पूरी तरीके से सही हैं। रोचक प्रस्तावना का ढंग इस प्रश्न का सही हल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो पढ़ाना है उसकी शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सीधे सीधे पढ़ाते हुए शुरुआत करनी चाहिए। विकल्प 2 कह रहा है कि बच्चे से पाठ पढ़वा करके शुरुआत करनी चाहिए। विकल्प 3 कह रहा है कि किसी रोचक घटना या गीत से पाठ की शुरुआत करनी चाहिए, और विकल्प 4 कह रहा है कि बिना किसी TLM के पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 को उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। जब भी हम किसी कक्षा में किसी पाठ की शुरुआत करेंगे तो उसे किसी रोचक घटना या गीत के साथ जोड़ देंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यदि उसकी भूमिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तैयार व तत्पर होंगे। यह ध्यानाकर्षण की तकनीकी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों से बातचीत, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना, और सभी को शामिल करना। देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों, कोर्स से संबंधित वीडियो को देखने के बाद और प्रश्न का अवलोकन करने से हमें ये साफ पता चल जाता है कि रोचक प्रस्तावना ध्यानाकर्षण तकनीकी है। विकल्प 3 को आप सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट बटन दबाते हुए आप इस कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी के अगले प्रश्न पर पहुंच जाइए।
अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका बच्चों को रुचिकर कविता के माध्यम से विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास कर रही है। शिक्षिका द्वारा किया जाने वाला यह कार्य बच्चों से बातचीत करना कहलाएगा, प्रोजेक्ट कार्य कहलाएगा, या प्रश्न पूछना कहलाएगा, या रोचक प्रस्तावना कहलाएगी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा हल सबसे उपयुक्त है। इस प्रश्न के लिए भी रोचक प्रस्तावना सही हल है। रोचक प्रस्तावना विकल्प नंबर 4 पर दिया गया है, इसलिए आप विकल्प नंबर 4 को उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय आप कोर्स करेंगे, हो सकता है कि प्रश्नों के आने का क्रम आगे पीछे हो, उससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के पहले शुरुआत करना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी को शामिल करना, रोचक प्रस्तावना, बच्चों से बातचीत करना, या सभी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आकलन प्रश्नोत्तरी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होता है, उससे हमारे कोर्स से संबंधित अंक निर्धारित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या रहेगा। इस प्रश्न के लिए रोचक प्रस्तावना को सही विकल्प के रूप में चयनित कर लीजिए। विकल्प बी को आप लॉक कर दीजिए और आप नेक्स्ट बटन पर जाइए। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षिका को अपनी विषय संबंधी पाठ या प्रकरण को प्रस्तुत करने के पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, केवल एक प्रश्न होना चाहिए, 15 से 20 प्रश्न होने चाहिए, या 3 से 5 प्रश्न होने चाहिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही हल क्या है। दोस्तों विकल्प 4 सही हल है। बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले हमें उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए उनसे 3 से 5 प्रश्न जरूर से जरूर पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि वीडियो में शिक्षक बच्चों को पाठ शुरू करने के पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न व कहानी सुना व पूछ रहे थे। पेड़ पौधों से संबंधित या जलीय जंतुओं से संबंधित, अनेक प्रकार के जंतुओं से संबंधित, या वायवीय जीवों से संबंधित। यदि आपने कोर्स से संबंधित वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत ही पता चल गया होगा। शिक्षक मित्रों, जब हमने और आपने वीडियो का अवलोकन किया था तो उस समय हमने देखा था कि शिक्षक वीडियो के माध्यम से जो बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक कर रहे हैं वो अनेक प्रकार के जंतुओं से संबंधित है। इसलिए विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। वर्तमान समय में हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए जब आप सभी शिक्षक अपने 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों की परीक्षा ले रहे होते हैं, बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं, बच्चों को पाठ पढ़ाने के पहले। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। एक्सपर्ट की राय में, ये एक्सपर्ट कोर्स बनाने वाले हैं, उनकी राय में बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले हमें रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक सही विकल्प है। विकल्प 4 आप उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। नेक्स्ट बटन दाबेंगे। अब हमारा ये इस तीसरे कोर्स से संबंधित अंतिम यानी कि 10वां क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद इस आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि शिक्षक पाठ को शुरू करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कहानी, गीत, कविता या कोई दृष्टांत सुनाते हैं। यह सभी नीचे दिए गए किस सिद्धांत से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। पहला विकल्प है अमूर्त से मूर्त की ओर, दूसरा विकल्प है आगमन से निगमन की ओर, तीसरा विकल्प है कठिन से सरल की ओर, और चौथा है सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों जहां तक मेरा ज्ञान है तो मुझे चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही लग रहा है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सरल से कठिन की ओर चलें। आइए देखते हैं कि इस पर एक्सपर्ट अपनी क्या राय रखते हैं।
हमारा आपका सोचना बिल्कुल सही था, एक्सपर्ट ने भी विकल्प संख्या चार को सही उत्तर के रूप में चयनित किया है, इसलिए आप सरल से कठिन की ओर को सही उत्तर मानते हुए नेक्स्ट बटन दाबेंगे। नेक्स्ट बटन दाबने पर आपको ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। इस डिस्प्ले मैसेज में आपको बताया गया है कि यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे और आपने पूरे 10 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने पे पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए 100 के 10 प्रश्न पूरी तरीके से सही हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैनल और इसके वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टाफ के साथ हमारे चैनल को साझा करें। चलते चलते हमारे चैनल का नाम याद रखिएगा, टीचर्स क्लब। जल्द ही कोर्स संख्या चार की आकलन प्रश्नोत्तरी हल के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।